उपमंडल बैजनाथ के संसार में एक शिक्षक की संदिग्ध मौत के मामले पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों के परिजनों सहित सैकड़ों गांववासियों ने एसडीएम परिषद के बाहर शांति पूर्वक धरना दिया। परिजनों ने एसडीएम बैजनाथ के माध्यम से सीएम को इस मामले में गिरफ्तार किए गए युवकों को रिहा करने व असल अपराधियों को पकड़ने की गुहार लगाई। उपमंडल बैजनाथ के संसार में एक शिक्षक की संदिग्ध मौत मामले पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों के परिजनों सहित सैकड़ों गांववासियों ने एसडीएम परिसर के बाहर शांतिपूर्वक धरना दिया। परिजनों ने एसडीएम बैजनाथ के माध्यम से सीएम को इस मामले में गिरफ्तार किए युवकों को रिहा करने व असल अपराधियों को पकड़ने की गुहार लगाई। धरना प्रदर्शन में आई परिजनों व माताएं रक्षा देवी पर रश्मि ने कहा कि उनके बेटे बेकसूर हैं, जिन्हें पुलिस विभाग द्वारा दबाव के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मृतक के परिजन साफ तौर पर जाहिर कर चुके हैं कि इस घटना में असल अपराधी कोई और है। उनको रिहा कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। और क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? बस यही चाहते हैं, या हमारे बच्चों को छोड़ दो, उनको भी न्याय दो ना। दोस्त बच्चे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो इन्होंने 302,000 लगाए ये ना, वो बड़ी गलत, क्योंकि बच्चे को उन्होंने मर्डर तो नहीं किया है। मेरे बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए, उन न्याय दिया जाए, उनको भी जिनका वो बच्चा गया है ना, उनको भी न्याय दिया जाए। ये नहीं बोलते पर हमारे बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जो एक मच्छर नहीं मार सकते उस उन्होंने आदमी को क्या मारना है। तो मेरी सरकार से भी यही आग्रह कि जो इनके टेस्ट लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट्स जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो दिखाएं और हमारे बच्चों को जो है रिहा करवाएं जल्दी से जल्दी। धरने में आए एडवोकेट अजय अवस्थी ने कहा कि पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर युवकों के मौलिक अधिकारों संवैधानिक व मानवाधिकारों का हनन किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना को बीते आज 21 दिन होने को हैं, लेकिन पुलिस असल आरोपियों को पकड़ने में असफल रही है व बार बार पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जल्दबाजी में दोनों युवकों को घटना के दिन जनता के आक्रोश को कम करने के लिए गिरफ्तार किया था। जो ये शांतिपूर्ण धरना है वो बैजनाथ उपमंडल की जनता के द्वारा आयोजित किया गया है, और इसमें हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोनों तरफ के जो लोग हैं, चाहे वो मृतक सतीश कुमार जी का परिवार हो या उनकी तथाकथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए जो दो आरोपी हैं उनके परिवार हों, उन दोनों परिवारों के लिए जो है वो न्याय सुनिश्चित किया जा सके। और जहां तक सवाल है कि किस जल्दबाजी में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और यदि ये वास्तव में हत्या ही हुई है और असल अपराधी यदि आज बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये मृतक और उसके परिवार से घोर अन्याय है। और दूसरी तरफ यदि जो आरोपी हैं उनको बेवजह गिरफ्तार किया गया है बिना किसी सबूत के, तो ये उनके मानवाधिकारों का भी घोर उल्लंघन है। गांववासियों ने कहा कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार किए युवकों को जल्द रिहा नहीं किया तो आने वाले समय में परिजनों के साथ वे भूख हड़ताल पर चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले को लेकर बैजनाथ के डीएसपी पूर्णचंद ठकुराल ने बताया कि घटना को लेकर फोरेंसिक टीम के स्पेशलिस्ट द्वारा टांडा में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा इस घटना को लेकर बिंदु बताए जा रहे हैं, पुलिस उन पर भी पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। डीएसपी ने बताया कि दोनों युवकों का लाई डिटेक्शन पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद घटना की गुत्थी सुलझने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है, वे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी देना उचित नहीं है। दिनांक 22/12/2019 को संसार में जो सतीश कुमार की डेड बॉडी मिली थी उसकी हत्या के संबंध में उसी दिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, और उसी संबंध में उसी में ही दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एफएसएल की विशेषज्ञों द्वारा एकत्रित करवाए गए हैं, और पोस्टमार्टम भी स्पेशल फॉरेंसिक एक्सपर्ट से टांडा हॉस्पिटल में करवाया गया है।
इसके अलावा और भी अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दोषियों का जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका लाइट डिटेक्शन टेस्ट जुनगा में करवाया गया है। तफ्तीश में अभी ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। एफएसएल की रिपोर्ट ये भी वांछित है, उसके मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और लोगों द्वारा जो जो भी शक के बिंदु उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी पुलिस गहनता से अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उन पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। दोषियों का समय समय पर रिमांड हासिल किया जा रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।